जिले के गांव कारीमोद में एक महिला द्वारा अपनी दो बेटियों सहित गलती से जहरीले पदार्थ का सेवन कर लिया गया। जहरीला पदार्थ खाने से जहां महिला की अस्पताल पहुंचने से पहले ही मौत हो गई, वहीं बच्चियों की हालत एक निजी अस्पताल में गंभीर बनी हुई है, जहां उनका इलाज चल रहा है। पर ऐसे पता नहीं मक्खे से आते हैं, मैंने देखा ये दोनों बीमार है। उनकी माँ उन्होंने भी जहर का इस्तेमाल किया, पता लग पाया किस लिए किया था? घर में कोई रंजिश है, कोई लड़ाई झगड़ा किसी प्रकार का? कोई लड़ाई बिना कारण की। जहर खाने का कारण बीमारी की दवाइयों के पास कीटनाशक दवाइयां रखी बताया जा रहा है। पुलिस ने अपनी कार्रवाई कर मामले की जांच आरंभ कर दी है। लू लगी हुई थी, बोडिया तो लगती है मेरी, इसका भी और उन दोनों बच्चों की भी दवाई ले रखी थी। वो घर में इस तरह कीटनाशक दवाई खेतों में छिड़कने के लिए रखी होती है, वो उसकी वजह से वह दवाई लेने की वजह से वह दवाई ले ली। यानी धोखे से ली गई? हाँ, धोखे से ली, गलती से। गलती से दोनों बच्चों। बच्चों की क्या हालत है जी? बच्चे ठीक है। और महिला की? महिला जानकारी है, मौत गांव की एक औरत, एक औरत जहर खा गई है। जहर खाने से उसकी मौत हो गई है सिविल हॉस्पिटल भिवानी के अंदर। तो उसने अपने दो बच्चों को भी जहर दे दिया जो अंडर ट्रीटमेंट है जेबी गुप्ता हॉस्पिटल में। सर जानकारी मिल पाई है कि आखिर? जानकारी ये मिली है कि उन लड़कों का मामा यानी इमीजिएट उसका जो मृतका है उसका भाई, वो वहीं मौजूद है।